लीजिए आ गई संध्या बिंद्रणी की वापसी की खबर। जी हाँ, वो ही संध्या बिंद्रणी जिनका कमाल दिया और बाती हम शो में खूब देखा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस दीपिका सिंह की। एक तरफ जहाँ दिया और बाती हम का सीक्वल आंख में चोली ऑन एयर होने को तैयार है, तो दूसरी तरफ लंबे वक्त के बाद दीपिका सिंह के कमबैक पर खबर सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि दीपिका सिंह कलर्स टीवी के नए शो मंगल लक्ष्मी में बतौर लीड हीरोइन नजर आने वाली हैं। बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि दीपिका का ये नया शो कलर्स कन्नड़ के शो भाग्य लक्ष्मी का हिंदी रीमेक होगा। ये शो दो बहनों के प्यारे बॉन्ड पर आधारित था, जिसमें भाग्य नाम की महिला जीवन की हर चीज का खुशी से स्वागत करती है, वो काफी पॉजिटिव होती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसी लड़की को पालती है जिसने बचपन में ही अपने परिवार को खो दिया था। भाग्य लक्ष्मी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने और उसकी शादी कराने के लिए जिम्मेदारी उठाती है। और कहा जा रहा है कि दीपिका सिंह का नया शो मंगल लक्ष्मी भी इसी कहानी को दोबारा पर्दे पर लेकर आएगा। खबरें हैं कि दीपिका के ऑपोजिट इस शो में एक्टर नमन शॉ नजर आएंगे। बता दें कि नमन शॉ टीवी के जाने माने स्टार हैं, जो कई बड़े बड़े शोज जैसे कुमकुम भाग्य, नागिन 2, लाल इश्क, जमाई राजा जैसे कई बेहतरीन शो में काम कर चुके हैं और अब वो दीपिका के ऑपोजिट नजर आएंगे, ऐसी खबरें हैं। वहीं बात करें दीपिका सिंह की, तो लंबे वक्त के बाद दीपिका के कमबैक की खबरें सामने आई। दीपिका ने साल 2011 में दिया और बाती हम से टीवी डेब्यू किया था और इस शो के बाद वो कवच और हलाला में नजर आए। हालांकि 2019 से ही दीपिका टीवी से दूर है। वो इस दरमियान कई टीवी शोज में गेस्ट अपीयरेंस भी करती नजर आई, लेकिन संध्या बिंद्रणी जैसी पहचान उन्हें किसी दूसरे शो से नहीं मिल पाई। हालांकि अब 4 साल के लंबे वक्त के बाद दीपिका एक बार फिर से लीड रोल निभाने जा रही हैं। ऐसे में देखना तो ये है कि आखिर कब दीपिका के नाम पर कंफर्मेशन सामने आएगी और कैसा होगा इस बार दीपिका का किरदार नए शो में।